आईसीएमआर की स्टडी में आया सामने कोविड 19 के खिलाफ कोविशील्ड और कोवैक्सीन का कॉकटेल है ज्यादा असरदार। भारत से पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजी जा रही सहायता गेहूं की तीसरी खेप हुई रवाना। देश के हर जिलों में महिलाओं के लिए लगेंगे आत्मरक्षा कैंप, महिला दिवस कार्यक्रम में स्मृति ईरानी ने दी जानकारी। दो साल बाद 27 मार्च से फिर शुरू होंगे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों का कड़ाई से होगा पालन। देश में नहीं आएगी कोरोना की चौथी लहर, वायरोलॉजिस्ट का दावा किसी संक्रामक वेरिएंट के सामने आने पर ही होगा खतरा। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां उत्तर प्रदेश में 10 मार्च को आने वाले नतीजों से पहले ईवीएम के मुद्दे पर अब बवाल हो गया है। मंगलवार शाम को वाराणसी के पहाड़िया मंडी से ईवीएम को ले जाते समय दो गाड़ियों को कुछ राजनैतिक लोगों ने पकड़ लिया और इसके बाद जमकर हंगामा शुरू हुआ। वहीं वाराणसी के डीएम का कहना है कि गाड़ियों में मिले इन ईवीएम का चुनावी ईवीएम से कोई वास्ता नहीं है, ये केवल ट्रेनिंग की ईवीएम मशीनें थी। हालांकि लोग इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं और वो लगातार स्ट्रॉन्ग रूम परिसर के बाहर अब डटे हुए हैं। जिस तरह तीन तीन गाड़ियां ईवीएम लेके निकली हैं और दो गाड़ियां तो भाग गई और उसमें बोरे से जो उसको ढक करके लेके निकले, किसी तरह एक गाड़ी पकड़ी गई है और जबकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस है कि कोई भी ईवीएम अगर स्ट्रांग रूम से निकलती है तो वो प्रत्याशी को नोटिस हो, जिला अध्यक्ष को नोटिस हो और फोर्स के साथ वहां से उसको कहीं मूव किया जा सकता है। लेकिन ऐसा न करके चोरी से ईवीएम बदलने की नीयत से ये घटनाएं घटी हैं, उसकी शिकायत हम लोगों ने यहां किया है और डीएम और कमिश्नर जब तक वहां रहेंगे तब तक न्याय मतगणना सही नहीं हो सकती है। जब तक डीएम और कमिश्नर को हटाया नहीं जाएगा तब तक मतगणना वहां हम लोग नहीं होने देंगे। क्या जवाब मिला चुनाव आयोग ने? क्या कहा? आश्वासन दिया है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं। अब क्या करते हैं, क्योंकि हम लोगों का काम है कहना और काम करना इनको है। भारतीय जनता पार्टी हार में लोकतंत्र को लूटना चाहती है। पूरा प्रदेश इस बात को समझ रहा है कि ईवीएम मशीन बिना कानूनी और वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाई जा रही थी और चुनाव आयोग जिस तरीके से मौन है ये बहुत कुछ कहता है। हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चेतावनी देते हैं और चुनाव आयोग से अनुरोध करते हैं कि इस पर शीघ्र दखल दीजिए। आपका मौन लोकतंत्र की हत्या कर रहा है। यदि समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरा विपक्ष इस विषय पर एक साथ खड़ा है और पूरा विपक्ष सड़कों पर होगा, जनता जनार्दन सड़कों पर होगी। यदि भविष्य में कोई भी घटना घटित हुई जो भी हम नहीं चाहते हैं तो उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार चुनाव आयोग होगा। जो 20 केवल कुल संख्या में 20 थी एक छोटी पिकअप गाड़ी पे, वो कुछ लोगों के द्वारा रोकी गई और ये कंफ्यूजन हुआ उन लोगों में कि ये पोल्ड ईवीएम तो नहीं है। बाद में वो धीरे धीरे इतने लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, यहाँ सारे मजिस्ट्रेट आए, सारे अधिकारी गण आए, उन्होंने समझाया, परंतु भीड़ होने की वजह से अब सारे प्रत्याशियों को और पॉलिटिकल पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उनको बुलाया गया है कि स्पष्ट कर लें जो ईवीएम ले जाई जा रही थी वो ट्रेनिंग की थी। मेरे पीछे ये कंट्रोल रूम है, पूरा का पूरा तो स्ट्रांग रूम है, ट्रेडिंग है, जिसकी बैरिकेडिंग को ब्रीच करने का मतलब नहीं होता है। जो बाकी ईवीएम्स हैं उनके स्ट्रांग रूम, उनके गोडाउन अलग हैं। ये ईवीएम और वो ईवीएम आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है, ये सारी चीज़ स्पष्ट की जा रही है। यहाँ पे कुछ लोगों का आरोप है कि कुछ अधिकारियों ने शक्ति दी, तो उसकी भी हम जांच करवा लेते हैं कि कोई शक्ति की बात हुई भी नहीं हुई। हालांकि यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हैं और बातचीत है। अब सारे प्रत्याशियों को बुलाए गए हैं और सारी जो मशीनें इलेक्शन के दिन गई थी जिनमें पोलिंग हुई है उस सब की लिस्ट उनको जो मेल से भेजी गई आज दोबारा हार्ड कॉपी दी जा रही है। जो ये 20 मशीनें हैं ये अभी अलग ही हैं उस गाड़ी पर, उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं कि ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पर गई थी। ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं, प्रशिक्षण के नंबर हैं, जिनके प्रशिक्षण पहले काउंटिंग के पोलिंग के दौरान हुए थे वही काउंटिंग के दौरान हुए हैं। कल के जो काउंटिंग है उसके बारे में अब हमने ये भी निर्णय ले लिया है
कि कल की जो काउंटिंग है बिना ईवीएम के ही कर्मचारियों की करा दी जाएगी। फर्स्ट काउंटिंग में कुछ उनका एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, बाकी परसों जब वो काउंटिंग के लिए आएंगे घंटा पहले ईवीएम वाला प्रशिक्षण दोबारा अंदर ही हाल में डेमो के माध्यम से प्रोजेक्टर के माध्यम से दे दिया जाएगा, ये भी निर्णय ले लिया गया। खबर रायबरेली से है जहां जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह की अगुवाई में कई सफाई कार्यकर्ता गोरा बाजार के आईटीआई परिसर जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है उसके बाहर नजर आए। इस दौरान जिलाध्यक्ष ने कहा कि वो ईवीएम की सुरक्षा को लेकर यहां पहुंचे हैं। आगे उन्होंने कहा कि हर विधानसभा की निगरानी के लिए पहले से ही 10-10 सफाई मौजूद है, जबकि ईवीएम की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर यहाँ सैकड़ों सिपाही इकट्ठा हुए हैं। हम बता दें कि जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों की काउंटिंग गोरा बाजार के आईटीआई परिसर में होगी। यहीं ईवीएम रखने के लिए स्ट्रांग रूम भी बनाया गया है। पहले दिन से ही यहां सफाई ईवीएम की निगरानी में जुटे हुए हैं। खबर औरैया से है जहां के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गोविंद नगर में नवविवाहिता का शव फांसी से लटकता मिला, जिसके बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों के अनुसार लगातार ससुराली जन लगातार विवाहिता को दहेज को लेकर प्रताड़ित किया करते थे, जिसके चलते युवती ने आत्महत्या कर ली। तो उधर मामले को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई कर रही है। हो गई है लड़की हमारी वहाँ लखनऊ में, इसकी ससुराल थी मोहित नाम के लड़के से शादी हुई, उसके बाद में इसको जो जाती थी वो लड़का शराब पीता था, उसको मारता था, ये अपने घर नहीं बताती थी। जब इसका हाथ तोड़ दिया तो भी इसने घर पर बताया नहीं, लेकिन इसने गोलू ने फ़ोन किया जब उसके भाई ने, तब उसको एडमिट कराया जाके, उसका पूरा एडमिट का इलाज चला तो उसका वो शरीर उसमें हाथ में ऑपरेशन वगैरह सब हुआ, तो लोगों ने बड़े दावे के साथ में ऑपरेशन जबरदस्ती करवाया। इसकी शादी 4 साल पहले 28 अप्रैल को हुई थी। कहाँ पर हुई थी शादी? लखनऊ अलीगढ़ जी। सब कुछ दिया दिया, दहेज दो कठू देना देना था सब दिया, आए दिन ये पीड़ित करते थे बच्ची को, एक बार हाथ भी तोड़ दिया, उसने घर नहीं बताया, जब पता लगा हाथ टूट गया, गिर गई थी इसलिए टूट गया, उन लोगों ने इलाज कराया, हाथ सही करा दिया, फिर आई गई बराबर। अभी रक्षाबंधन को आई तब साथ में उस इनकी नंदों ने, 3 नंदे हैं, वो मार उस चूरिंग करती थी इनको, मार पा क्या वो रुपये मांगती थी, 1 लाख रुपया और दो, 1 लाख रुपया और दो, बराबर मांगती थी। अब कहाँ इतने बराबर दिए, कई बार दिए लिए और बराबर देते थे हमेशा, लेकिन बराबर देने में कितने भी हैं, कहाँ से लाए रुपये, और इसलिए इन लोगों ने हराया सताया, वो पर जान गई नहीं। खबर बांदा से है जहां अज्ञात चारपहिया वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी, वह इस घटना में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां पर बाइक सवार एक युवक को मृत घोषित कर दिया और मृत युवक के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तो ये पूरी खबर हम आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां पर एक अज्ञात चारपहिया वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, वही इस दौरान इस हादसे में एक बाइक सवार की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घर जा रहे थे सर। कहीं से? बांदा से काम करके आ रहे थे, घर जा रहे थे। अच्छा, बांदा से कहीं का काम करते हो? यहाँ पे मतलब मुक्ति धाम है, मुक्ति धाम पे काम में गए। तो घटना कैसे हो गई, किस गाड़ी से कैसे हो गई? गाड़ी की ध्यान नहीं ला रही हूँ, इतना ध्यान नहीं है। मोटरसाइकिल में थे क्या तुम लोग? हाँ। कितने लोग थे तुम लोग? 3 लोग थे। 3 लोग। एक्सीडेंटल केस हमारे पास आए हुए हैं, 3 व्यक्ति हैं, इसमें एक सुनील 28 साल का पुरुष है जो ब्राडगेट लाया गया है, 2 अन्य घायल भर्ती करके उपचार किया जा रहा है, सौ का पोस्टमार्टम कराने के लिए पहुँचे गए। सर क्या कुछ जानकारी मिली, कौन लाए थे इनको? ये PRV जो ले आई है बूरागढ़ की, 3 को उसमें एक ना।
एक ओर जहां हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर महिलाओं के साथ लगातार हो रहे अत्याचार हमें सोचने पर विवश कर देते हैं। एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के एटा जिले से सामने आया है, जहां एक मकान पर अवैध कब्जे की नीयत से दबंगों ने घर में घुसकर महिला के साथ मारपीट की और जब महिला का पति पहुंचा तो आरोपी घर से भाग गए। वह इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो इस तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह दबंगों ने घर में घुसकर एक महिला के साथ जमकर मारपीट किया। और ये तस्वीरों में आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जब महिला का पति अपनी पत्नी को बचाने आया तो उस दौरान जो सभी दबंग घर में मौजूद थे वो घर से भागते हुए इस वीडियो में नजर आ रहे हैं। लगातार ऐसे मामले पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हैं देश की और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी ऐसे मामले एक बड़ा सवाल उठाते हैं। खबर एटा से है, जहां जनपद के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत एक निजी एवं फर्जी नर्सिंग होम में भर्ती महिला की चिकित्सकों की लापरवाही के चलते मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों की शिकायत पर तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई का और परिजनों को उचित कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। तो ये पूरी खबर हम एटा से बता रहे हैं, जहां फर्जी क्लिनिक के संचालक के चलते एक प्रसूता की मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने इस क्लिनिक पर एक्शन लेते हुए उचित कार्रवाई का परिजनों को भी आश्वासन दिया है। कल इस लड़की को बुखार आया तो बुखार इसको नहीं उतरा था, तो इस लड़की को मैं यहाँ पर लेके आया। मैंने इनसे कहा कि मैं लड़की को बुखार नहीं उतर रहा है, इसके बच्चा पैदा हुआ था, 10 दिन हो गए। इन्होंने लड़की का वो चेकअप कराया 3,000 का, तो इन्होंने कहा कि लड़की के 6 पाउंड खून है, इसके 2 पाउच चढ़ेंगे। मैंने ठीक है सर, 2 पाउच आप चढ़ा दीजिए। कल 11 बजे इन्होंने रात को 1 पाउच चढ़ाया है, सवेरे 8 बजे तक चढ़ा है। लड़की 1 पाउच में लड़की बिल्कुल स्वस्थ सही हो गई। इन्होंने मेडिकल से दवाई मंगाई के वो दवाई लिया उसको डोज लगाएंगे, तो जो दवाई मेडिकल से आ गए डोज लगाया है, लड़की 15-20 मिनट में ही ख़त्म हो गई है। क्या लगता है कैसे मौत हुई? मौत इन्होंने जानबूझ के की है, ये तो शराब माफ। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां एक व्यापारी का सड़क किनारे शव मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जिसके बाद परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए कहा कि युवक एक दिन पहले ही मोबाइल का पार्ट लेने घर से 40,000 रुपए लेकर निकला था, जिसके बाद अब शव के पास से पैसा और मोबाइल फोन भी गायब मिले हैं, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने युवक के शव को अयोध्या प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर रखकर जाम लगा दिया, जहां बवाल की आशंका को देखते हुए मौके पर एसडीएम और सीओ ने पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराते हुए मामला का जल्द खुलासा करने का दावा किया है। तो ये पूरी खबर हम आपको प्रतापगढ़ से बता रहे हैं, जहां पर घर से एक युवक निकला था जिसका अब सड़क किनारे शव मिलने से हड़कंप मच गया। वही परिजनों ने बताया कि युवक घर से 40,000 रुपए लेके निकला था, जिसके पास से अब 40,000 रुपए और मोबाइल फोन भी गायब मिला है। वही इस पूरे मामले पर पुलिस ने परिजनों से वादा किया है कि वो जल्द से जल्द इस मामले का खुलासा करेंगे। वही इस मामले पर बवाल की बढ़ती हुई आशंका को देखते हुए मौके पर एसडीएम और सीओ ने पहुंचकर लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर मामले को भी शांत कराया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस भी जुट गई है। खबर उन्नाव से है, जहां दही थाना क्षेत्र के इच्छाउली शेल्टन खेड़ा में दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने युवती के साथ घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की, जिसकी जानकारी युवती ने खेत में काम कर रहे परिजनों को दी, जिसके बाद युवती के परिजनों ने युवक को घर में घुसकर जमकर पीटा। वहीं पिटाई के बाद युवक की हालत बिगड़ गई, जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं युवक की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। तो ये पूरी खबर उन्नाव से सामने आ रही है, जहां पे एक मनचले ने पहले तो युवती के साथ घर में घुसकर छेड़खानी की, उसके बाद युवती के परिजनों ने युवक को जमकर पीटा, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है, जिसकी मौत से परिवार में अब कोहराम मच गया है। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए उन्नाव से हमारे संवाददाता चैतन्य जुड़ चुके हैं। चैतन्य जी, क्या कुछ है ये पूरा मामला? जी, पूरा मामला जो है दही छाना क्षेत्र के इच्छाउली खिलौटा खेड़े की घटना है, जो कि बताई जा रही है, और जहां पे युवक के ऊपर आरोप लगाता है कि उसने जो है खेत पे काम कर रही युवती के साथ छेड़छाड़ की थी, और जिसके बाद युवती
कि जो परिजन है वो इस हद तक जो है नाराज हो गए कि उन्होंने जो युवक को है बहुत बुरी तरीके से पीटा है, और जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ जाती है, और हालत बिगड़ने के बाद जब उसको जिला अस्पताल ले जाया जाता है तो इमरजेंसी वार्ड में उसकी मौत हो जाती है। चैतन्य जी, पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है इस मामले पे? पुलिस ने जब युवक की मौत होती है तो युवक की मौत के बाद उनके परिजन द्वारा युवती के परिजनों के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया जाता है, और मुकदमा दर्ज कराने के बाद आनन फानन पुलिस जो है उन युवती के परिजनों पर कार्रवाई कर रही है, और जहां तक पूरे जो परिजन है उसमें से अभी कुछ लोगों की और गिरफ्तारी होना बाकी है, जिसके बाद जो है पुलिस कोर्ट के आदेश पर उन्हें जेल भेजेगी। जी चैतन्य जी, जो युवक है वो युवती के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ करता है, तो क्या ये चीज पुलिस प्रशासन की पूरी कार्रवाई पे सवाल खड़े करती है? कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जो है उस कहीं ना कहीं कानून को हाथ में लेना ये उन्नाव जिले में लगातार चल रहा है, और खासकर युवती और महिलाओं को लेकर इधर लगातार उन्नाव सुर्खियों में भी रह चुका है। इसके बाद कल की घटना जो है वो झकझोर कर रख देने वाली है, जब युवती के घर में ही घुसकर युवक छेड़छाड़ करने लगता है। हालांकि कानून को हाथ में लेकर जब युवती के परिजन युवक को बुरी तरीके से पीटते हैं जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही ज्यादा इस समय प्रभावी नजर आ रहा है, और चुनाव की व्यस्तता के साथ साथ कहीं ना कहीं पुलिस को जो यहाँ की आपराधिक घटनाएं हो रही हैं उस पर भी ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। लगातार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश में कानून बनाए जाते हैं, जो नई सरकारें आती है वो नए दावे करती है, नए वादे करती है, लेकिन उसके बावजूद भी जमीनी स्तर पर इसका पालन क्यों नहीं हो पा रहा है? चैतन्य जी, कहीं ना कहीं जो बात है कहीं ना कहीं अगर आप बात करें कि थाने स्तर पे जो पुलिस जो तैनात रहती है कहीं ना कहीं उसकी लापरवाही देखी जा सकती है, या फिर आला अधिकारी जो भी तैनात है जो कि जिला मुख्यालय स्तर पर तैनात होते हैं, अगर वो अपने थाना इंचार्ज के साथ समय रहते हुए अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो ऐसी घटनाएं सामने आती है। ऐसी ही कुछ घटनाएं पूर्व में भी सामने आ चुकी है जिसमें लगातार शिकायतें की जा रही थी, लेकिन थाना इंचार्ज द्वारा सही कार्रवाई ना करने के बाद एक बड़ी घटना को अंजाम दे दिया जाता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो आला अफसर हैं उनको समय रहते हुए एक कड़ी कार्रवाई और कड़े निर्देश देने की आवश्यकता है कि थाने स्तर पर अगर कोई पीड़ित आता है तो उसकी सुनवाई जरूर से जरूर की जाए। जी चैतन्य जी, अगर देखा जाए तो इस मामले में दोनों ही पक्ष कहीं ना कहीं पीड़ित नजर आ रहे हैं, तो पुलिस ने अभी तक किस पक्ष का साथ दिया है या पुलिस ने कौन से पक्ष पे अभी तक एक्शन लिया है? अगर आप बात करें युवक की तो युवक को तो अगर कानून का सहारा लिया जाता तो युवक को दंड जरूर मिलता, ऐसा लोगों का मानना है, लेकिन अगर कानून को हाथ में लेकर युवक को इस तरीके से पीट दिया जाता है जो कि गुनहगार था जो मर चुका है, तो कानून जिसने हाथ में लिया है तो अब उस पर कार्रवाई पुलिस तय कर रही है कि युवक को इस तरीके से पीटना और जिसके लिए कानून बना है, लेकिन अगर उसके बावजूद अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो इसमें पुलिस जो है कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर एक दबाव है कि अब उसको युवती के परिजनों पर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी। धन्यवाद चैतन्य त्रिपाठी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर ये हम उन्नाव से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक मनचले ने पहले तो युवती के घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की, जिसके बाद युवती के परिजनों ने युवक की जमकर पिटाई की जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। वही पुलिस पक्ष ने अभी तक इस मामले को लेकर युवती के पक्ष पर कार्रवाई की है, क्योंकि युवती के पक्ष ने कानून को हाथ में लेते हुए युवक की जमकर पिटाई की है जिसके कारण ही उसकी मौत हुई है। होली के मद्देनजर और 10 मार्च के लिए दिन की जीत की खुशी को लेकर सप्लाई होने जा रही अवैध शराब को तस्करी से पहले ही पुलिस ने बरामद कर लिया है। मुठभेड़ के बाद 5 शातिर शराब तस्करों को भारी मात्रा में अवैध शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। इसका इस्तेमाल 10 मार्च को चुनावी जीत के परिणाम और होली के त्यौहार को लेकर किया जाना था। बरामद शराब की कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। तो सहारनपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अवैध शराब के तस्करों को गिरफ्तार किया है। देखिए, थाना रनौता में पुलिस मुठभेड़ में 5 लोगों के एक गैंग की गिरफ्तारी की गई है जो अवैध शराब ईएनए से मैन्युफैक्चर करता था। इस गैंग के 5 सदस्यों को हम लोगों ने पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। देखिए, थाना रनौता में
खबर श्रावस्ती जिले से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। गिलौला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिलौला बहराइच मार्ग दमावा बैरियर बस स्टैंड के पास से 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 2 मोटरसाइकिल, 2 देसी तमंचा सहित चोरी किए गए लाखों रुपए के सामान बरामद किए गए हैं। वही पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर चोरों को जेल भेज दिया है। गिलौला पुलिस द्वारा 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जो जनपद बहराइच के रहने वाले हैं। इनके द्वारा जनपद के थानों और बहराइच के एक थाने में करीब 6 घटनाओं का करना स्वीकार किया है, और इनके कब्जे से 2 तमंचे, 2 मोटरसाइकिलें और काफ़ी मात्रा में चोरी गया सामान, जिसमें सोने और चांदी के आभूषण भी हैं, बरामद किया गया है। इनके द्वारा जो बंद पड़े मकान, जिनके घर के ओनर काम करने कहीं शॉप पे या कहीं चले जाते हैं और घर को बंद कर लेते हैं, लॉक रहता है, उसकी रैकी करके उसके बाद उसमें किसी तरह प्रवेश करके। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।